अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, 23 दिन में आएगा अदालत का फैसला। सुनवाई एक घंटे पहले शाम 4 बजे ही हो गई खत्म। मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। आज मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने पेश की। इस दौरान कोर्ट रूम में ड्रामा देखने को मिला। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हिंदू महासभा के वकील द्वारा पेश किए गए नक्शे को फाड़ा। आप देख रहे हैं सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। 23 दिन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। आज तय वक्त से एक घंटे पहले ही सुनवाई हुई खत्म। अदालत ने कहा कि अगले 3 दिन तक इस मामले में दस्तावेज जमा कराए जा सकते हैं। हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और मामले पर फैसला 23 दिन में आएगा। अदालत में बुधवार को राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में लगातार 40वें दिन सुनवाई हुई। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले में सुनवाई की। आज सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश CJI ने साफ कर दिया कि आज शाम को 5 बजे मामले में अंतिम सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई एक घंटे पहले ही 4 बजे खत्म हो गई। आज मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने पेश की। इस दौरान कोर्ट रूम में ड्रामा देखने को मिला। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हिंदू महासभा के वकील द्वारा पेश किए गए नक्शे को फाड़ दिया। इससे पहले मंगलवार को CJI ने कहा था कि सभी पक्ष 16 अक्टूबर तक मामले से संबंधित दलीलें पेश कर दें, क्योंकि फिर उन्हें फैसला लिखने में 4 सप्ताह का समय लगेगा। आज मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले में एक पक्ष हिंदू महासभा के हस्तक्षेप के आवेदन को खारिज करते हुए कहा, यह मामला आज शाम को खत्म हो जाएगा, बहुत हो चुका, हम और समय नहीं देंगे। जो भी फैसला आएगा श्री राम का वहाँ स्थापना अवश्य है। राजीव धवन तो आखिर लाइन में यही कह रहे हैं कि हम मस्जिद बननी चाहिए। राजीव धवन मुस्लिम पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आज जो पूरे दिन में जो घटनाक्रम हुआ यह दर्शाया गया कि मुस्लिम पक्ष फोर्स फैब्रिकेटेड और इम्प्रूव्ड वर्जन, यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया है। उस मामले में आपको दो वाक्य बताता हूँ कि 1861 में जो उन्होंने ग्रांट की बात की, जब 1858 में ही वोट भंग कर दिया गया तो 1861 में रेजोल्यूशन आई कहाँ से? हिंदू महासभा ने ये डॉक्यूमेंट आज प्रस्तुत किया, जिसका जवाब उन्होंने अपने रिजाइंडर में कुछ भी नहीं दिया है। इससे साफ साबित होता है कि उस प्रश्न से वो बचना चाहते थे। दूसरी बात, जो मैप हम लोगों ने दिया आज अदालत के समक्ष, जो उन्होंने टुकड़ों में फाड़ दिया, ये साबित करता है फ्रस्ट्रेशन कि किस तरह से वो सबूतों को भी नहीं देखना चाहते थे, सबूतों को भी झुठलाना चाहते थे। और इस तरह से मुस्लिम पक्ष अगर अपना मुकदमा जीतना चाहता है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका फ्रस्ट्रेशन शो करता है। वरुण जी, हमारा सवाल ये है कि 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट का फैसला आता है, जमीन को 3 हिस्से में बांटने की बात आती है जी। सभी पक्ष यहाँ आते हैं, 9 साल के बाद सुनवाई होती है और अब मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी बात होती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या तय करना है कि क्या टाइटल सूट का बंटवारा हो सकता है या नहीं, या केवल ये जमीन केवल और केवल भगवान राम? देखिए, हम लोगों ने जो अपना दलील दिया है उस दलील में बहुत स्पष्ट है और सारे हिंदू पक्ष के दलील का केंद्र है कि जो एक तिहाई संपत्ति दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुस्लिम पक्ष को, वह गलत निर्णय था। वो किस तरह से गलत था, कानूनी तौर पर उस निर्णय को सही नहीं ठहराया जा सकता है। इन सारी मुद्दों पर हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा है और हमें इंतजार करना होगा कि उस पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से लेती है। एक बात और, TV9 भारतवर्ष पर हमने लगातार ये बात बताई कि मीडिएशन पैनल में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ने की बात कही थी। आज सुनवाई ओवर हो गई है, मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ऐसी स्थिति में क्या मीडिएशन पैनल की उस रिपोर्ट को भी जजमेंट रिजर्व होने के बाद कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, मीडिएशन पैनल का रिपोर्ट क्या गया है उसकी प्रति हम लोगों को नहीं दी गई है। हम लोग पक्षकार है, हम लोगों को नहीं दिया गया है। इस बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब जजमेंट रिजर्व हो चुका है, मीडिएशन पैनल के रिपोर्ट को तभी मान्यता मिल सकती है जब सारे पक्ष, जितने भी पक्षकार हैं, उस पर एकमत हो, सहमत हो तभी, अन्यथा जजमेंट पर ही सबों को भरोसा है और जजमेंट का हमें इंतजार करना चाहिए। तो अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं? बार बार ये हो रहा है कि अब उम्मीदें क्या है आपकी? हम सबों को अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही सारे रास्ते निकलेंगे जी।
और ये लास्ट में जो टाइम अलॉट किया गया था कि एक एक आखिरी घंटे का वक्त मिलेगा, अलॉटमेंट होगी, उसमें फिर क्या रही? देखिए, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने अपना रिजाइंडर रखा, उनके सारे जो तथ्य थे वो उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी, इसीलिए अभी जो है उस सारे आर्गूमेंट को कंक्लूड कर दिया गया, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। वक्त दिया गया था लेकिन वो नहीं हो पाया इस। देखिए, जब आप देखेंगे सारे पक्षों ने जो अपनी दलील दी है उसमें मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे भी अपना तर्क रखा है, और इन सारे तर्कों को ध्यान में रख करके सारा जजमेंट रिजर्व किया गया। आज पूरी जजमेंट, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम द एंटायर हियरिंग दैट हैज हैपेंड? यू सी, वी द हिंदू साइड्स हैव प्रेजेंटेड आवर केस एंड वी हैव क्रिटिसाइज द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट टू द एक्सटेंट हाउ द 1/3 शेयर ऑफ द लैंड हैज बीन गिवन टू द मुस्लिम साइड। वी हैव गिवन द लीगल सबमिशन ऑफ दैट, फैक्चुअल सबमिशन, एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस that this 1/3 share given to Muslim side by the High Court is totally illegal, erroneous, and it is not as per the evidence and whatever pleading the Muslim side had in their suit, so the judgment is beyond the pleading and prayer made by the Muslim. Also, Rajiv Dhawan.